नमस्ते दोस्तों, कदम एग्रोगोट फार्मिंग इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है गोट फार्मिंग में जो झाड़ पत्ता जो लगता है, जो चारा लगता है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ तुती। ये तुती का झाड़ है। ये अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बकरी को कम से कम 1 टन का चारा दे सकता है। आप देख रहे हैं इसके ऐसे बड़े बड़े पत्ते रहते हैं और ये पत्ते बकरी को बहुत ही अच्छे लगते हैं और उसके ये पत्ते एकदम लचीले होने के वजह से बकरियां एकदम बहुत ही प्यार से इसको खाती है। तो ये तुती का झाड़ लगाने के बाद देखो, उसका ऐसा इतना बुंदा हो गया, उसकी 4 या 5 फीट हाइट हो जाने के बाद उसका आप कट्स लेके अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। एक बार कटिंग करने के बाद 1 महीने में फिर से इसको आप देख सकते हैं, ऐसे ये मुलायम से ऐसे छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं और ये बड़े होके फिर आपको इसको एक बार कट कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि उसके पत्ते के साथ साथ इसके जो फांदियाँ रहती है, टहनियाँ रहती है, वो भी बकरी खूब ही अच्छे तरह से खाती है। तो अगर आपको इस तुती का बीज चाहिए, उसके तुती के जो इसका इसकी लागत कैसे, इसकी जो कांडी रहती है ना, वो कट करके उससे लागत की जाती है। तो ऐसा कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको ये डिलीवर दे सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, ऐसे ऐसे फूट करता है, एकदम कोले कोले पान है इसके, नाजुक और मुलायम। तो दोस्तों, आप अगर बकरी पाल रहे हैं तो बकरी फार्म में क्या है, बकरी को वैरायटी चारा होना चाहिए। मतलब बकरी के चारे में 10, 5, 15, 20 तरह के वो सब आना चाहिए उसको। आप ऐसा नहीं कि आपने बकरी पाले और एक ही प्रकार का चारा आप उसको देंगे तो भाइयों नहीं चलने वाला है, आपका फार्म बहुत जल्दी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जितनी चाहिए उतनी ग्रोथ उससे होगी नहीं। और दोस्तों, यहाँ पे अभी ये विषय है हमारा तुती का, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं हमारे फार्म का काम भी चालू है। तो हम ऐसा स्टेज के ऊपर जो ये आता है वो बना रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, बकरी पालन में बीमारी नहीं होती और इसकी जो साफ़ सफाई रखने की जो ज़रूरत रहती है वो कम होती है, मतलब अपने आप ये सेल्फ साफ हो जाता है। तो दोस्तों, अगर गोट फार्मिंग के लिए जो भी बीज आपको, जो भी सीड्स लगते हैं, तो कदम एग्रो फार्म आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया में बाय पोस्ट से आपको सेंड कर सकता है। फिर एक बार मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।